आज कठुआ से जम्मू कश्मीर खालसा दल का दूसरा दस्ता किसानों के समर्थन में सिंधु बॉर्डर की ओर रवाना हुआ। इस दल में दर्जनों सदस्य शामिल थे। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया व किसान विरोधी बिल को वापस लेने की अपील भी की। दल में शामिल सदस्यों का कहना था कि किसान या तो बिल वापस करा कर रहेंगे या तो वहीं अपनी जान दे देंगे। उन्होंने कहा, मोदी अंबानी और अंडानी का पिच लघु बना हुआ है, जो इन सरमाएदारों को फायदा देने के बारे में सोचकर ही इस बिल को तैयार किया गया है, जिसे किसान अब मानने को कतई तैयार नहीं। जम्मू कश्मीर खालसा दल शुरू से ही किसानों का समर्थन करता आया है और आगे भी उनके समर्थन में रहेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जम्मू कश्मीर खालसा दल के मैंबर हाँ और अज असी सारे किसान यूनियन नू, किसान मजदूर एकता नू समर्थन देने लई डिस्ट्रिक्ट कठुआ की धरती तो असी सारे जा रहे हाँ। असी मोदी सरकार नू ये अपील करते हाँ, मोदी सरकार नू असी ये अपील करते हाँ कि जिस तेरे बनाए बिलों नू पूरा देश निकार रहा है, पूरा वर्ल्ड निकार रहा है, सारे किसान लखां दी तादाद दे विच दिल्ली बार्डर ते बैठे हुए हैं, अगर वो इस बिल नू नहीं मन रहे तो जबरदस्ती क्यों इन्हां बिलों नू थोपिया जा रहा है उन्होंने, अगर नहीं मन रहे तो वापस करो, गल खत्म है। जैस और नो दे विच उन्हां नू जवाब दिओ। वापस उन्हां बिलों ते तुसी कहानियां घुमा घुमा के रोज़ लाइव हो के उन्हां नू तुसी भाषण दे रहे हो, ये नहीं चलणगे, ये नहीं चलणगे। यस और नो दे विच सानू इस चीज़ का जवाब चाहिए है। उस दे लई असी डिस्ट्रिक्ट कठुआ तो जम्मू कश्मीर खालसा दल के नौजवान वीर निकल के उन्हां नू समर्थन देने दे लई जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, मोदी सरकार जो है वो अडानी और अंबानी के हाथों बिक चुकी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कि कुछ देर पहले इन्होंने रोला पाया सी कि मैं भी चौकीदार, वो चौकीदार नहीं है, वो चौकीदार है तो अंबानी अंडानी का मालिक अंबानी अंडानी हैं। तुसी देख सकते हो आज कोई भी 2020 चल रहा है, टेक्नोलॉजी दे विच इंडिया बड़ी दूर जा चुका है और तुसी जानते हो कि सोशल मीडिया तो कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। ट्रेना तो देख लो अंबानी अंडानी है, अजय की लिखदा होना चाहिए है मेरा भारत महान, ताकि पूरे वर्ल्ड दे विच हर कंट्री नू पता लगे। सब तो बड़ी गल ये है, जरा मेरी गल अगर सारे नू ए बुरी लगेगी तो मैनू कोई इतराज़ नहीं है। सीधी जड़ी गल है कि मोदी जी अगर तुसी कोई चंगा काम किया होंदा ना तो बाकी दूजी कंट्रियां तुहाड़ियां नकल कर दियां। तुसी कोई चंगा काम किया नहीं जिहड़ी बाकी कंट्रियां तुहाड़ी नकल करन। काम वो करो जिहड़ा देख के दूजा भी वो काम करे। जिस तरह पहले असी अंग्रेजों कोलों आजादी पाई सी, हुण की लगदा है कि सानू इंदे कोलों भी आजादी पाणी पवेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सानू इन्हां कोलों आजादी लैण दे लई होर बहुत सारी मशक्कत करनी पवेगी और सिख कौम ही हर गल दे विच सब तो अगे खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद काले कानून, वापस करो काले कानून, वापस लाओ मोदी गवर्नमेंट, जिंदाबाद मोदी गवर्नमेंट, जिंदाबाद जी। हाँ जी, आज हम किसान आंदोलन जो दिल्ली में काफ़ी दिनों से चल रहा है उसके समर्थन में हम कठुआ से जा रहे हैं। हमारे खालसा दल सारा यहाँ से आज मूव कर रहा है, हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है। हम उनकी सपोर्ट में जा रहे हैं कि जो आज हालात इस गवर्नमेंट ने पैदा किए हुए हैं ये अच्छा नहीं है। इनको चाहिए कि किसान आंदोलन जो इतने दिनों से चल रहा है तो आप इस गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इसका फैसला करना चाहिए। यही किसान है जो ज़मीन में अपना खून पसीना बहा के अनाज पैदा करता है, वो अनाज सभी खा रहे हैं, तो इनको मुझे समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ये क्या चाहती है। सबसे पहले जब पंजाब में इतने दिन धरने पे बैठे रहे लोग, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद जब पंजाब से किसानों ने दिल्ली की तरफ मूव किया तो इन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि ये खालिस्तानी हैं। अगर ये पंजाब वाले खालिस्तानी थे फिर हरियाणा वाले भी आ गए, राजस्थान सभी लोग आ गए, सभी हिंदुस्तान का किसान अभी दिल्ली में आके बैठा है। इसका मतलब ये सभी खालिस्तानी है, हक मांगना खालिस्तान नहीं है। ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये एक आरएसएस का प्रोपोगंडा है। इन लोगों को बदनाम किया जा रहा है कि किसी तरह इनका आंदोलन फेल किया जा सके। और ये लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हैं इनको चाहिए कि आप लोग
इनकी अगर आप बोल रहे हो कि हम इनके फायदे के लिए कर रहे हैं, इनको मंजूर ही नहीं है फायदा, तो क्यों दे, जबरदस्ती किसी को कोई फायदा देता है? तो इसलिए इनको चाहिए जल्द से जल्द इस पे विचार किया जाए और इस मसले को हल किया जाए। जहाँ पे भी किसानों को जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ। नाम आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह है। हमारी जो कठुआ के जो टीम है वो आज जो हमारे 24 दिनों से दिल्ली में हमारे जो किसान संघर्ष कर रहे हैं इस मोदी सरकार का कहीं ना कहीं से पेट से आपा कर रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने लोगों को इतना परेशान कर दिया। मैं ये नहीं कहता इसमें सिर्फ किसान ही परेशान है, ऑल ओवर इंडिया में हर आदमी इस सरकार से परेशान है। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पर आज ये बड़ी भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। भाई अगर भारत माता की नारे लगाने वाले हर फिरके में योगदान ना होता तो हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने अपना सर्वस्व हिंद के लिए बार दिया। सबसे ज़्यादा भारत माता की जय कहने का श्रेय उन शहीदों को जाता है जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपना पूरा सर्वस्व बार दिया, खून का कतरा कतरा इस हिंदुस्तान के लिए बार दिया। आज ये हिंदुस्तान की जय कहने वाले कहाँ से पैदा हो गए हैं? ये पिछले 6 सालों से इन्होंने भारत माता की जय के नारे शुरू कर दिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई अगर जो किसान है वो ही नहीं रहेगा जो इस पूरे हिंदुस्तान का अन्नदाता है, क्योंकि जिस देश का किसान परेशान है वो पूरा हिंदुस्तान परेशान है। मैं पूछना चाहता हूँ इस मोदी सरकार से भाई आपने ऐसा कौन सा तीर फाड़ लिया है कि जो आप कह रहे हो पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, अगर पिछली सरकारों के टाइम किसान सरकार सड़क पे थे आपने उनकी उन्हीं बातों को आड़े लेके आगे रख के आपने वोट ली और आप राजनीति लेके आप वहाँ पे काबिज हो गए पीएम की कुर्सी पे, तो आज क्या हो गया? आज क्यों लाखों की तादाद में जो हमारे लोग हैं वो सड़कों पे हैं? राजू जी आप हमें ये बताइए कि क्या लगता है कि भाजपा जो है हिंदुस्तान को कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथों में फिर गुलाम करना? मैं कह रहा हूँ ये कह रहे हैं भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान सिर्फ दो आदमियों के हाथ में, अंडानी और अंबानी। ये जो भी काम करते हैं मेरे हिसाब से पीएम साहब को पीछे बैठ जाना चाहिए, उनको उनकी कुर्सी पे बैठा देना चाहिए, क्योंकि जो वो कहते हैं। मैं आप एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज इन्होंने ये जो काला कानून देश में लागू किया है और पिछले 6 महीने से उन्होंने अपने गोदाम बनाना शुरू कर दिए थे अनाज के, ये आज की पॉलिसी नहीं है, ये पिछले 6 महीनों से इन्होंने प्रोग्राम शुरू कर दिया था भाई हमने किसानों का और हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करना है, और इन्होंने एक दिन में गोदाम तैयार नहीं हुए हैं। जो इतने बड़े बड़े इन्होंने गोदाम FCI के तैयार किए हैं वो एक दिन में नहीं हुए हैं, ये पिछले 6 महीने की प्लानिंग थी। मैं आज इस मंच से अपने सारे किसान भाइयों की तरफ से इस मोदी सरकार को ये चेतावनी देता हूँ भाई जल्द से जल्द ये जो काले कानून आपने बनाए हैं इनको वापस लिया जाए, अदरवाइज आप सोच रहे हो ये किसान वहाँ से वापस आएंगे, ये वापस नहीं आएंगे, ये जहाँ तो मर के आएंगे तो जहाँ फिर आपको खत्म करके आएंगे। किसान एकता अज असी जिहड़ा जत्था डिस्ट्रिक्ट कठुए तो दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, मैं इन्हों के जो जत्थे की अगुवाई कर रहे हैं सरदार अमरजीत सिंह जी राजबागले, मैं इन्हों बहुत बहुत मुबारकबाद दिता हाँ कि इन्होंने भी अपने उपराले नाल और इत्थे दे जो बच्चे नौजवान बच्चे जम्मू कश्मीर दल खालसा दे उन्होंने अगुवाई के नाल उत्थे अपने दिल्ली वाले बार्डर से जाके अपनी शमूलियत अपनी हाजरी उत्थे पेश करनगे, क्योंकि ये जिहड़े साढ़े हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी जिन्होंने ये 3 काले कानून जबरदस्ती हनेरे दे विच पास किए हैं, क्योंकि अगर पार्लीमेंट जी ने अपनी बहुमत नाल पास करके तो राज्यसभा जो इन्होंने ड्रामा किया उन्होंने पास करके लोगों के गले दे विच पा दिता है, जो चीज़ लोगों को पसंद नहीं है जो चीज़ तुहानू पसंद नहीं है मैं तुहानू जबरदस्ती दिया वो कोई हक नहीं बनता, गल उही होनी चाहिए है जो किसी को पसंद है वो लैनी चाहिए है। अगर ये 3 काले कानून इन्हों नहीं पसंद है तो गवर्नमेंट वापस लेने चाहिए हैं, जैसा कोई ऐसा अल्टीनेट कढ के किसानों नाल जो कि इस देश को खाना देने वाले हैं ये परिवार लोगों के परिवारों को पालते हैं पूरे हिंदुस्तान के बीच सड़के फार्म के बीच भी इन्हों का जो मटीरियल जाता है, जे अगर ये अपना हक मंग रहे हैं तो मोदी साहब को दे देना चाहिए है। ऐसे काले कानून हिंदुस्तान के बीच लागू करके लोगों का जो ये डिस्टर्बेशन जो एक बगदड़ बीच पाई हुई है इनू एक खत्म करना चाहिए है मोदी साहब को और देश को समूह बिल्कुल समूह चलाना चाहिए है। हाँ जी अजमीत सिंह जम्मू तो असी पहला जत्था जिहड़ा जम्मू कश्मीर तो गया सी अज तो 4 दिन पहला असी उत्थों होके आई अज दूजा जत्था जिहड़ा पड़ाव ते जा रहा है कठुए तो सारे वीर जा रहे हैं। अज हालात इस तरह के हो चुके हैं कि इन्नी सर्दी विच रात नूं जिहड़ियां असी उत्थे जाके खुद आके देख आए पहले तो मीडिया सुनते सी सारा कुछ सोशल मीडिया से खुद आके देख आया
इस तरह ने रोड़ां विच खुले आसमान के थले सारे किसान उत्थे सौंदे हन, पर निर्दयी सरकार नूं होना चाहिए यार कि ये देखो की हो रहा, अपनी आवाम ते इन्ना जुल्म। अज तो जदों कुछ समा अंग्रेजों का समा सी, 9 महीने एजिटेशन किसानों ने चलाए से, अंग्रेज झुके गए सन, चलो वो तो बाहर दे सन, गोरे सन, इतने अपने देश दे होके अपनी आवाम ते इन्ना जुल्म करना, इन्ना मतलब कहर तक टुट गया इन्हों का कि किनिया मौतां ठंड नाल हो गई तो हो अगे होनी पई, क्योंकि कुछ इतनी कहर की ठंड है बुजुर्गों को ठंड बर्दाश्त नहीं आती, छोटे छोटे बच्चे उत्ते एजिटेशन बैठे हैं, ईवन के बच्चों की पढ़ाइया का किन्ना लॉस हो रहा है, किसानों का किन्ना लॉस हो रहा, पर इस निर्दयी सरकार नू कोई फर्क नहीं पै रहा। पर एक किसान दस देंगे इस नू कि जम्मू कश्मीर विच्चों भी ये जत्थे जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अते पूरी दुनिया के जिते जड़ा जड़ा भी अन्न नाल वफादारी करता खा के जिन्हों साह पैंदा वो इस एजिटेशन शामिल है। इस एजिटेशन का ही मतलब है कि अपने हक लैने अते काले कानून वापस करवाने, चाहे उन्होंने एक धैया किया है किसान संघर्ष यूनियन ने कि चाहे जान जाती तो चली जाए कोई परवाह नहीं, पर एक काले कानून वापस करवा के रखांगे, आने वाली जनरेशन में पता लग जाएगा कि साडे पूर्वजों ने साडे बुजुर्गों ने अपने हकों लिए की किया, क्योंकि किसानों की जिहड़ी अणख है वह जागती है, जागती अणख वाला ही बंदा मैदान से टुट के पैंदा है। इस करके सरकार जिहड़ी है उन्हें डावांडोल हो चुकी है, क्योंकि अडानिया ते अंबानिया के हाथ चढ़ी हुई है, ये खाली सिखां दा नहीं, ये मुसलमानां दा, ये हिंदुआं दा, ये हर तबके का ऐसा नुकसान करके जाएगी जिहड़ा आने वाला PM होएगा उन्हों भी उमरा लग जाएगियाँ इसकी भरपाई करद्या करद्या। इस करके ये सरकार बिल्कुल हुण फेलीयर हो चुकी है, अपना जिहड़ा नंग पुना दस चुकी है, तो किसानां दा जिहड़े हक हन अज नहीं तो कल जरूर कामयाब होणगे। असीं भी अरदास भी करते हाँ, अज जम्मू कश्मीर तो दूजा जत्था जा रहा, उन्हें पड़ाव दर ब दर जारी रहेंगे, तो इन्हां सरकारां नूं नकेल पा के ही किसान अपने घरों नूं वापस मुड़ेंगे। बहुत बहुत आप जी का धन्यवाद जी। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।